टू गेनिटी सी एज नॉट थ्रोइंग के दौरान कोई भी मुसलमान परिवार या कोई भी मुसलमान को इस देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा यू जस्ट कॉन्ट बी एट होम इट्स योर पर्सनल एंड द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन यू वोट You're actually making the next five years of development depend on you. He wants to gain sympathy of his own community. And I would say, please go ahead. The community knows that it will not stand for him for the one simple reason, because CAA is not throwing out any Muslim. हमारे अमित जी भी हमारे होम मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि सी के दौरान कोई भी मुसलमान परिवार या कोई भी मुसलमान को इस देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा एंड दिस इज फाइनल अगर असद जी इसके बारे में मुद्दा कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है लेके जाने दीजिए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है और उन उन्हों जो कहना चाहते हैं वो कभी सच नहीं हो जाएगा बिल्कुल रेडी है भाई अभी मे थर्टीन थे डिक्लेयर कर दिया तो दो महीने मिल गए हमको बढ़िया स्पोर्ट के लेंगे हम तो मज़ा आ रहा है मुझे बीजेपी का किस तरह से अब रहने वाला है अब जब दो महीने का टाइम अब आ, है तो किस तरह से स्ट्रेटजी हम हर घर पहुंचेंगे हर उस नागरिक से हम वोट का मतदान के लिए मांगेंगे और उनको ये भी समझाएंगे दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू वोट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स यू जस्ट कान बी एट होम इट्स योर पर्सनल एंड द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन यू वोट यू आर एक्चुअली मेकिंग द नेक्स्ट फाइव ईयर्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन यू पाँच साल का आने वाला तरक्की आपके हाथ में है तो पाँच साल आपके हाथ में है तो ये बहुत ही सोच समझ कर डालने वाली वोट है और आपका हक है घर में मत बैठिए बाहर निकलिए सी ए इज नॉट थ्रोइंग आउट एनी मुस्लिम हमारे अमित जी भी हमारे होम मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि सी के दौरान कोई भी मुसलमान परिवार या कोई भी मुसलमान को इस देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा एंड दिस इज फाइनल अगर असद जी इसके बारे में मुद्दा कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है लेके जाने दीजिए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है और उन जो कहना चाहते हैं वो कभी सच नहीं हो जाएगा बिल्कुल रेडी है भाई अभी मे थर्टीन डिक्लेयर कर दिया तो दो महीने मिल गए हमको बढ़िया स्पोर्ट खेलेंगे हम तो मजा आ रहा है मुझे मैम बीजेपी का किस तरह से स्ट्रेटजी अब रहने वाला है अब जब दो महीने का टाइम अब आ, है तो किस तरह से स्ट्रेटजी रहने वाली इसके बारे में हम हर घर पहुंचेंगे हर उस नागरिक से हम वोट का मतदान के लिए मांगेंगे और उनको ये भी समझाएंगे दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू वोट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एनी एल्स यू जस्ट कान बी एट होम It's your personal and the public responsibility. When you vote, you're actually making the next five years' of development depend on you.